सेलेक्शन नहीं है, ये अनौपचारिकता है। केवल एक बिल ऐसा था जिसको लेकर के सरकार की एक मजबूरी होगी मेरे ख्याल। हमने तो ये कहा है कि एक दिन नहीं, जो 10 बिल लेकर के आ रहे हो उन 10 बिल का कम से कम हर मेंबर के पास एक हफ्ता पहले जानकारी होनी चाहिए भी किस किस इश्यू पे आप बिल लेकर के आ रहे हो। पहले जो मीटिंगें थी उनमें इन बातों का फैसला हुआ था हमारा कि हमेशा बिल आपको पहले दिया जाएगा, पहले सर्कुलेट किया जाएगा। लेकिन अब जब पूछा तो इस बात का कोई जवाब नहीं, और मुख्यमंत्री ने तो यहां तक स्टेटमेंट दे दी और कह दिया कि हमने विपक्ष के लोगों से बात कर ली। मेरे से तो मुख्यमंत्री की बात ही आज हुई है बहुत दिन के बाद, और वो भी आज जब मीटिंग थी तो उस मीटिंग में वो भी मेंबर है, मैं भी मेंबर हूं, तब हम आमने सामने मैंने उनसे पूछा भी कि आपकी और हमारी बात कब हुई या हमारे कौन से मेंबर से हुई, तो इस बात का फिर कोई जवाब नहीं। ये तो मीडिया ने अपनी मर्जी से चला दिया, अखबार ने अपनी मर्जी से चला दिया। अब ये तुम लोगों ने इसके ऊपर दोबारा क्या रिएक्शन देना है, क्या रिएक्शन करना है, ये आप मुख्यमंत्री से पूछ के करो, ताकि लोगों को पता लगे कि मुख्यमंत्री जो है कितने सीरियस हैं, और मुख्यमंत्री विधानसभा को लेकर के भी किस तरह से एक मिनट में अपनी बात से पलट जाते हैं, बदल जाते हैं, बड़ी हैरानी की बात है। और अब तो ऐसी हालत है इनकी, सेशन लंबा इसलिए नहीं चला सकते कि इनके अपने मेंबर जो है वो बगावत के ऊपर है, वो खुद जो है खुल करके सरकार का अंदर विरोध करना चाहते हैं, इसलिए ये लोग भागने की कोशिश में है। हमने कहा है कि अगर आप सही मायने में लोगों की दिक्कत और समस्याओं को सुनना चाहते हो तो फिर विधायक को समय मिलना चाहिए और सेशन की अवधि लंबी होनी चाहिए ताकि सब लोग अपनी बात कह सके। लेकिन बावजूद उसके, मतलब स्पीकर के अख्तियार भी मुख्यमंत्री ने ले लिए, मुख्यमंत्री अनाउंस कर देते हैं एक दिन का सेशन होगा, 2 सीटिंग होंगी, ये BSC का काम है, वो तय करेगी। और उसका भी नहीं, उसके इलायदा अगर हाउस के अंदर मेजोरिटी MLA खड़े होकर के कह दें कि सेशन को लंबा चलाया जाए तो स्पीकर भी कुछ नहीं कर सकते, उस कमेटी की रिपोर्ट का भी कोई मायना नहीं बचता, फिर दोबारा उस पर विचार होगा, 100% उस सेशन को लंबा करना पड़ेगा, क्योंकि हाउस के अंदर जो कमेटी बनी हुई है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, इसकी रिपोर्ट भी हाउस में जाएगी और हाउस ही इस पर मोहर लगाती है कि आपकी जो मीटिंग का जो मायना है उसको वो सही मानती है नहीं मानती है। यहाँ तो हर चीज को मजाक बनाया जा रहा है, हर चीज मुख्यमंत्री यूं मान के चलते हैं तेरी धरोहर बन गई। मुख्यमंत्री को भी एक कायदे में रह करके अपनी बात करनी चाहिए, मुख्यमंत्री को भी कायदे में रह करके लोगों के सामने बोलना चाहिए। सीएम ने झूठ बोला है मीडिया के सामने कि आप लोगों से बात हुई? आप बिल्कुल 100% झूठ बोला है। अगर आप कहते हो कि चीफ मिनिस्टर ने ये बात आपके सामने कही है तो मुख्यमंत्री ने 100% झूठ बोलने का काम किया है। मेरे से मुख्यमंत्री की सेशन के मामले में कोई बात नहीं हुई।